ओम श्री गणेशाय नमः। दीपावली के दिन करें यहाँ चूक उपाय। इस उपाय से आपके घर में सुख शांति धन लाभ होगा। माता महालक्ष्मी की कृपा आपके घर में बनी रहेगी, आप पर बनी रहेगी। तो जितने भी देवगण थे, जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने भी राजा थे, महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अनेकों प्रकार के यज्ञ उपाय करते थे। आज मैं आपको सरल उपाय के बारे में बताऊंगा। इस उपाय से हमेशा आपके घर में महालक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, माता की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो दीपावली में विशेष रूप से महालक्ष्मी की पूजा होती है, तो आपने उपाय 1 तारीख को करना है, यानी कि बड़ी दीपावली के दिन करना है। तो महालक्ष्मी के उपाय करने से आपके घर में हमेशा देवी की कृपा बनी रहेगी, धन की कृपा बनी रहेगी, आपके घर में धन की बरसात होगी माता की कृपा से। तो आपने हवन कराना है अपने घर में ब्राह्मण देवता की कृपा से। तो ब्राह्मण देवता से आप सामान क्या लिस्ट मांग सकते हो कि क्या क्या सामग्री लगती है महालक्ष्मी पूजा करने में और हवन करने में। आपने शुद्ध घी लेकर आना है, 250 ग्राम या 300 ग्राम, या आप आधे किलो ले सकते हो। आपने बाजार से कमल गट्टा खरीदना है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन में कमल गट्टा, 108 कमल गट्टा। आपने जब ब्राह्मण देवता पूजन कराएंगे, ब्राह्मण देवता हवन कराएंगे, आपने 108 आहुति देनी है कमल गट्टा, यानी एक एक करके। आपने उस समय ब्राह्मण देवता को भी बता सकते हो मंत्र, स्वयं भी आप मंत्र का जाप कर सकते हो, ओम श्रीम महालक्ष्मी स्वाहा, एक चढ़ाना घी में लगाकर, फिर ओम श्रीम महालक्ष्मी स्वाहा, इस तरीके से आपने एक एक आहुति चढ़ाना है। तो भगवती की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। आपने घी एक एक बूंद हवन में चढ़ाना है, ओम श्रीम महालक्ष्मी नारायणाय स्वाहा, ओम श्रीम महालक्ष्मी नारायणाय नमः स्वाहा, इस तरीके से आपने 108 आहुति, बाकी आपने इष्ट कुल देवता सबका नाम लेकर एक एक आहुति चढ़ाते रहना। ऐसा करने से माता महालक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी, आपके घर में धन की बरसात होगी, आपके घर में सुख शांति रहेगी। तो जरूर यहाँ उपाय करें, अब महालक्ष्मी आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेगी। जय श्री राम, जय माता।